विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना, तो फटाफट तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए फिजिकल तैयारी के लिए, क्योंकि फिजिकल आपके 22 दिसंबर से शुरू हो सकते हैं। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम अभी चल रहे हैं ऑनलाइन, काफी बच्चों के एग्जाम हो भी चुके हैं, काफी बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं। तो सभी बच्चों के लिए आज की ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्या 22 दिसंबर से आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं, जो एक वायरल लेटर आपने देखा है उसके अनुसार, या कितने नंबर वाले को फिजिकल के लिए कॉल हो सकता है, फिजिकल में क्या क्या होगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपके भी कई डाउट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले फिजिकल आपके कब तक हो सकते हैं, ये 22 दिसंबर के लिए तो आपने देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो इसके अंदर 1 सितंबर को ये वैकेंसी निकली है, 30 सितंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं, उसके बाद 14 नवंबर से इसके एग्जाम ऑनलाइन शुरू हो गए हैं, और ये कार्यक्रम पहले से तय था। ये दिल्ली पुलिस और एसएससी दोनों की सम्मिलित भर्ती है, इसमें रिटर्न एग्जाम कराने की जिम्मेदारी एसएससी की है और बाकी फिजिकल वगैरह कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दोनों ही डिपार्टमेंट को यह पहले से पता है कि इतने पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या हम करवाना पड़ेगा हमें, वो सब तैयारियां पहले से है, इसीलिए इसमें कहीं भी बीच में समय नहीं लगा है। जिस निश्चित कार्यक्रम के अनुसार पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसके अनुसार 3 दिसंबर को इसके रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन खत्म हो जाएंगे और 10 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसा लगभग तय है, निश्चित है, हो सकता है ऐसा कई बार हुआ है रिटर्न एग्जाम के 7 दिन के बाद ऑनलाइन एग्जाम का रिजल्ट आराम से जारी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। इसके बाद जब रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है 10 तारीख को, तो 22 तारीख से फिजिकल आराम से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 12 दिन का टाइम मिलता है, 10-12 दिन के अंदर कई बार रिटर्न एग्जाम के रिजल्ट के बाद फिजिकल करवाए गए हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप फिजिकली मेंटली तैयार रहिए कि 22 दिसंबर से आपके फिजिकल हो सकते हैं। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, अगर होते हैं तो भी हमें तैयार रहना है स्टूडेंट्स को, और अगर नहीं होते हैं तो भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि तैयारी तो करनी है। जब रिटर्न एग्जाम हमारा हो गया तो फिजिकल तो तैयार करना ही करना होगा, बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छा अवसर है हमारे लिए, तो इस अवसर को हमें हाथ से जाने नहीं देना है और जितना जल्दी हो सके फिजिकल तैयारी शुरू कर देना है। दिल्ली पुलिस के फिजिकल के अंदर 3 इवेंट होते हैं पुरुषों के लिए, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, 6 मिनट का टाइम होगा, 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 4.25 फीट का हाई जंप होगा। बेटियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, 8 मिनट का समय होगा, 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा और 3 फीट का हाई जंप होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये मिनिमम क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद इसमें मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें हाइट चेस्ट देखे जाते हैं। पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट 81-85 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। पुरुषों के लिए हाइट और चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट सिर्फ एसटी कैटेगरी को मिलती है, इसके अलावा कोई छूट किसी प्रकार की नहीं होगी। और बेटियों के लिए हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, एससी और एसटी कैटेगरी की बेटियों को 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। दिल्ली में होंगे फिजिकल, अलग अलग डेट आपकी होगी और उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अब तक भी अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ पुरुषों के लिए लागू है, बेटियों के लिए नहीं है। अब इसमें लिखित परीक्षा की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी इस बार भी लगभग उसी के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है और कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके अलावा अलग अलग पारी में एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है तो इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो एसएससी की तरफ से कई पारियों में नंबर बढ़ेंगे फॉर्मूले के अनुसार, कई पारियों में नंबर कम भी होंगे, तो वैसे भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन से बच्चों का फिजिकल कॉल होगा, कौन से बच्चों का नहीं होगा। बट आप ये दिमाग में रखिए कि अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, आपको नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है,
आप अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं तो 12 गुना बच्चों में तो आराम से कॉल होंगे, अगर आपने तैयारी करके एग्जाम दिया है। अगर बिना तैयारी के आपने एग्जाम दिया है, नेगेटिव मार्किंग में काफी आपको नुकसान हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान हो सकता है। तो ये तो आप ही को पता चलेगा, आपको ही डिसाइड करना है। मोटा एक आइडिया में बताऊं तो पुरुषों के लिए 70 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके लगभग सही हो रहे हैं तो आपको फिजिकल तैयारी करनी चाहिए। बेटियों के लिए लगभग 55 के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं, ओबीसी एससी एसटी ये कैटेगरी के नंबर 4-5-6 नंबर तक और भी कम तक भी हो सकता है, लेकिन मैंने जनरल के हिसाब से ये बताया 55 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं नेगेटिव काटने के बाद, तो बेटियों को फिजिकल तैयारी में जुट जाना चाहिए। और अगर 22 दिसंबर से फिजिकल होते हैं तो मैं ये भी बता दूं आपको, जो इसका लेवल है फिजिकल वाला, उसमें उतने ही बच्चे रहेंगे जितनों की जरूरत है। जिसने फिजिकल पास कर लिया 22 दिसंबर को, उसका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन पक्का है। तो आप किसी भी तरह से इस फिजिकल को हाथ से नहीं जाने दें अगर आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है। ये फायदा मिल सकता है उन बच्चों को जिनका फिजिकल अच्छा है, क्योंकि अब तैयारी करने जितना इतना समय नहीं है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है अगर आपने पहले से फिजिकल कर रखे हैं तो। अगर आप फिजिकल में नए हैं तो इतने कम समय में होना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद फिजिकल तैयारी कैसे करें, तो इसमें बस मैं अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि फिजिकल के लिए आप लगातार हमारे वीडियो फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। आंख बंद करके फिजिकल तैयारी के लिए नहीं जुट जाना है, पहले दिन जाते ही अपना टेस्ट नहीं लेना है कि 6 मिनट में मेरी दौड़ होती है नहीं होती है, या लॉन्ग जंप मेरे से 14 फीट होता है नहीं होता है, या 4 फीट में जंप कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ये टेस्ट नहीं लेना है। स्टार्टिंग के 10 दिन आप नॉर्मल प्रैक्टिस करिए, जिसमें रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, फास्ट मत दौड़िए, हाथ पैर थोड़े मजबूत बनने दीजिए, जिससे कि चोट से हम अपने आप को बचा सके। नहीं तो इसमें चोट लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, पैरों में दर्द होना, खिंचाव होना, ये आम बात है। तो इन सब चीजों से आपको बच के अपनी तैयारी शुरू करनी है। अगर आप जयपुर का खर्चा वहन कर सकते हैं तो रिम डिफेंस अकेडमी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बैच शुरू हो चुके हैं, यहाँ आके भी आप तैयारी कर सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, और अकेडमी का जो एक नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉल करके पता कर सकते हो सारी जानकारी। अगर आप जयपुर का खर्चा नहीं वहन कर सकते तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी, और एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑनलाइन फिजिकल तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर तो हम आपके लिए लगातार आगे आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करवाते रहेंगे। इससे संबंधित अगर और कोई डाउट है इस वीडियो से संबंधित तो आप मैसेज कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, और कॉल कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर जो आपको एकेडमी का दिख रहा है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।